नमस्कार दोस्तों, कथा संचय चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। मेरी लिखी हुई अन्य कहानियां रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। निशा अपने बंगले के खूबसूरत बगीचे में बैठी हुई एक मैगजीन के पन्ने पलट रही थी। तभी धन्नो काकी उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आई और प्यार से बोली, निशा बिटिया चलो नाश्ता कर लो, रविवार का दिन था इसलिए निशा घर पर ही थी। निशा चाय पीने लगी तो धन्नो काकी उसके बालों को प्यार से सहलाने लगी। वैसे तो आज से 4 साल पहले धन्नो काकी निशा के घर काम करने आई थी, लेकिन प्रेम और स्नेह की डोर से जल्दी ही वो निशा के लिए घर की सदस्य के जैसी ही बन गई थी। निशा के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था और धन्नो काकी का बेटा अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर में रहता था और माँ को भूले से भी पूछता तक नहीं था। इसलिए अब निशा और धन्नो काकी ही एक दूसरे का भावनात्मक सहारा थे। अभी निशा सुबह की शीतल वायु को नथुनों में भर कर तरोताजा महसूस कर ही रही थी कि मुख्य द्वार पर चौकीदार की आवाज आई। वो किसी से बहस कर रहा था। निशा उठ खड़ी हुई और वहीं से पूछने लगी, क्या हुआ रामदीन काका? रामदीन बोला, बिटिया पता नहीं ये कौन है, ये आपसे मिलना चाहता है। निशा का स्वभाव ऐसा था कि वो किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटती थी। उसने रामदीन से कहा, उसे अंदर भेज दो काका। फिर धन्नो से बोली, काकी तुम उसे बिठा कर चाय पानी पूछ लो, तब तक मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। निशा ऊपर चली गई और जैसे ही कपड़े चेंज करके बालकनी में आई तो बगीचे में बैठे हुए व्यक्ति को देखकर चौंक गई। वो रवि था। ज्यादा नहीं बदला था वो इन 10 सालों में, बस वजन थोड़ा सा बढ़ गया था और आंखों पर चश्मा चढ़ गया था। निशा शून्य में ताकती हुई धम्म से पास पड़े हुए चेयर पर बैठ गई। उसके मन में नफरत और घृणा का वो तूफान उठा कि उसके कदमों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो उस इंसान का सामना भी नहीं करना चाहती थी। निशा अतीत की यादों में खो गई। कॉलेज के दिनों में वो एक खुशमिजाज और चंचल किस्म की लड़की हुआ करती थी। वो जहां से गुजरती थी खुशियों की बयार बहने लगती थी। रवि भी उसके चुलबुलेपन से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाया। वो छोटी छोटी बातों में निशा के प्रति अपनापन और प्यार दर्शाने लगा। धीरे धीरे उसने निशा के मन के एक कोने को छू लिया था। दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई और निशा और रवि ने एक दूसरे का प्रेम भी स्वीकार कर लिया। निशा वकालत की पढ़ाई कर रही थी और वो किसी भी मुद्दे पर यूं तर्क वितर्क करती थी कि लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे, लेकिन उसे कहां पता था कि भविष्य में उसे कितना अन्याय सहन करना पड़ेगा। रवि के पापा को जब निशा और रवि के प्यार के बारे में पता चला तो उन्होंने निशा को ही कसूरवार बताते हुए उसे परेशान करके रवि से दूर होने की धमकी देने लगे। एक दिन निशा कॉलेज से घर लौट रही थी तभी अचानक से रवि के पापा उसकी स्कूटी के सामने आ खड़े हुए। निशा ने अचानक से ब्रेक लगाया। रवि के पापा उसकी बांह को गलत तरीके से पकड़ते हुए बोले, देखो तुम जैसी चरित्रहीन लड़कियों को अच्छे से जानता हूं मैं, तुझे पैसे चाहिए ना, मैं तेरे अरमान पूरे करके तुझे पैसे भी दूंगा, बस तू मेरी बात मान जा और मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। निशा तो सन्न रह गई। उस लिजलिजे स्पर्श से वो कांप उठी। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और स्कूटी स्टार्ट करके वहां से निकल गई। पूरे रास्ते दुख और अपमान के कारण उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। घर पर भी वो कुछ बता नहीं पाई, लेकिन रवि को उसने सारी बातें बताई तो रवि गुस्से में आग बबूला होकर कहने लगा, पापा ने बहुत गलत किया, लेकिन मैं भी अब तुमसे ही शादी करके उन्हें दिखा दूंगा कि हमारा प्यार कितना सच्चा और पवित्र है। निशा के मन को रवि की बातों से थोड़ी राहत पहुंची, लेकिन रवि के पापा तो निशा के घर तक पहुंच गए और उसके घर वालों को भी खूब खरी खोटी सुनाई। निशा ने भी रोते हुए अपने पापा से सारी बातें बताई। निशा के मम्मी पापा समझदार थे, उन्होंने बेटी का साथ दिया और रवि के पापा से कहा, इन दोनों ने प्यार किया है तो आप केवल मेरी बेटी को दोष देकर उसका अपमान नहीं कर सकते हैं। किसी ने आपको ये अधिकार नहीं दिया कि कोई मेरी बेटी को हाथ लगाए। रवि के पापा गुस्से से तिल मिलाते हुए वहां से चले गए। कुछ महीनों के अंदर ही रवि के पापा ने निशा को इतना परेशान किया कि वो डिप्रेशन में रहने लगी। रवि ने ऐसे में विवाह का प्रस्ताव रख दिया बेटी की खुशी की खातिर। निशा के मम्मी पापा ने उन दोनों की शादी करवाई और दोनों दिल्ली चले गए, जहां दोनों ने जॉब करनी शुरू की और एक छोटी सी प्यार भरी दुनिया बनाई। उन दोनों में बहुत प्यार था, इसलिए दिन बड़ी जल्दी बीत गए। देखते ही देखते उनकी शादी को 4 साल हो गए थे। इसी बीच एक दिन रवि के पास उसके पापा का फोन आया। रवि और निशा खुश हुए कि चलो पापा आखिर मान तो गए, लेकिन निशा के ससुर जी ने रवि से तो मीठी मीठी बातें की, लेकिन निशा को वो फोन पर भी कोसने लगे, उसे बद्दुआएं देते हुए चरित्रहीन कहने लगे। निशा की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी।
निशा हैरान थी कि उस समय साथ होते हुए भी रवि ने अपने पापा को कुछ नहीं कहा। उस दिन के बाद से उसके ससुर जी निशा को खूब जलील करते थे और रवि को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे बस अपने खून के रिश्ते निभाने से मतलब था। निशा जब उससे कहती कि तुम अपनी पत्नी को जलील करने वाले के साथ इतना सामान्य होकर बातें कैसे कर रहे हो, तो रवि उस पर ही झल्ला पड़ता और कहता, पापा हैं वो मेरे, जाने उनके जीवन में कितने दिन बचे होंगे, क्या मैं अपनों से बात तक नहीं कर सकता। निशा खामोश हो जाती, लेकिन जब भी रवि अपने पापा से बात करता तो निशा अकेले में रोने लगती। उसे ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि जिसके लिए वो उस इंसान से अपमानित हुई, वही पति उस घृणित इंसान से मीठी मीठी बातें करता है। अब तो रवि अपनी पत्नी के आंसुओं की परवाह किए बिना उसके पीठ पीछे अपने पापा से खूब बातें करने लगा था और उसके पापा रवि से भी निशा की बुराइयां करते थे। एक रात रवि एक घंटे तक फोन पर बात करता रहा। निशा उसका इंतजार कर रही थी। रवि कमरे में आया तो उसका मूड खराब था। निशा समझ नहीं पाई कि आखिर बात क्या हुई, रवि आखिर किससे बात कर रहा था। काफी रात गए, निशा को नींद नहीं आ रही थी। निशा रवि के मोबाइल में कॉल रिकॉर्ड सुनने लगी, जिससे उसे कुछ तो पता चले। निशा ने सुना, रवि अपने पापा से कह रहा था कि पापा मैं आपसे दूर होकर जी नहीं पा रहा हूँ, मुझे आपका प्यार चाहिए। उसके पापा बोले, तू उस लड़की को छोड़ दे और घर आ जा, मैं तेरी दूसरी शादी करवाऊंगा, वो भी बढ़िया दहेज लेकर। रवि ने उदास स्वर में कहा, पापा ये मुझे इतनी आसानी से आजाद करेगी क्या। ये सब सुनकर निशा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने उसी पल रवि को जगाया और गुस्से में पुकारते हुए बोली, रवि जो इंसान हमें अलग करने की इच्छा रखता है तुम मुझसे ही घुल मिलकर बातें कर रहे हो और मैं ये क्या सुन रही हूँ, तुम मुझसे आजाद होना चाहते हो। रवि गुस्से से बोला, वो मेरे पापा हैं, समझी, सही गलत मुझे नहीं पता, मैं तो उनसे बात करूंगा ही, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली, और मैं तो बस उन्हें खुश रखने के लिए ऐसी बातें करता हूँ, मैं तुम्हें सचमुच में नहीं छोड़ने वाला। निशा की आंखों में खून उतर आया, इतने सालों का प्यार और समर्पण एक पल में मिट्टी में मिल गए थे। निशा रोते हुए बोली, तुम्हारे पापा ने उस दिन सुनसान सड़क पर मुझे गलत तरीके से छूकर मुझे चरित्रहीन कहा, क्यों, क्या गलती थी मेरी। बस यही ना कि मैंने तुमसे प्यार किया, लेकिन क्या लड़की किसी से प्यार करे तो वो इससे चरित्रहीन साबित हो जाती है, उन्होंने मुझे कितना अपमानित किया, अपशब्द कहे, फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या पापा ऐसे होते हैं। न्याय अन्याय की बात तो छोड़ ही दो, लेकिन चरित्र की दृढ़ता भी नहीं है तुम्हारे में। अरे खून के रिश्ते हैं तो क्या उसके सामने मेरे प्रेम का कोई मोल ही नहीं है। निशा रोती रह गई, लेकिन रवि पर कोई असर नहीं पड़ा। उसे लग रहा था कि निशा अब कर भी क्या सकती है, इसलिए वो उसकी भावनाओं को कुचलता जा रहा था। अगले दिन भी निशा सारा दिन गुमसुम सी रही, उसके प्यार ने उसे बहुत चोट पहुंचाई थी। निशा रवि की बात सुनकर भावशून्य सी हो गई थी, लेकिन जब अगली रात देर रात गए रवि उसके करीब आने की कोशिश करने लगा तो वह छिटक कर उससे दूर जाकर खड़ी हो गई। रवि उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, मैं पति हूँ तुम्हारा, कोई गैर नहीं जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। निशा चीखते हुए बोली, मैं कोई वस्तु नहीं कि जब जैसे चाहोगे मेरा प्रयोग करोगे, तुमने मेरे दिल से प्यार और सम्मान खो दिया है, अब मेरे पास आने की हिम्मत भी मत करना, जाओ और अपने बददिमाग पिता के तलवे चाटो। रवि ने गुस्से में उसे तमाचा लगा दिया। निशा ने भी बदले में उस पर तमाचे बरसा दिए और गुस्से में बोली, तुम मेरे साथ रहकर कोई एहसान कर रहे हो क्या, अब तुम क्या मुझे छोड़ोगे, मैं ही तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। दोस्तों पता नहीं क्यों लोग पत्नी के प्यार को उसकी कमजोरी समझते हैं, लेकिन पति की हरकतों से जब उस प्यार का अंत हो जाता है ना, तो औरत फिर एक पल भी अन्याय नहीं सहन करती। निशा ने अगले ही सप्ताह एक किराए का घर ढूंढकर वो घर छोड़ दिया और तलाक की कार्यवाही शुरू करवा दी। उसने अपना भविष्य खुद की मेहनत से बनाने का निर्णय लिया था, इसलिए मम्मी पापा के बुलाने के बावजूद वो मायके वापस नहीं गई। कुछ महीनों में उसका तलाक भी हो गया था। अकेले रहते हुए उसने जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई पूरी की और कुछ सालों में वो एक जानी मानी वकील के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। वो मजबूर और गरीब लोगों का केस मुफ्त में लड़ती थी। उसने अपने मम्मी पापा को भी अपने साथ ही रहने के लिए बुला लिया था। वक्त के बहाव के साथ पहले उसके पिता और फिर 2 सालों के बाद उसकी माँ इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। निशा अकेली तो पड़ गई थी, लेकिन अपने काम के प्रति समर्पित रही और खुद को उसने काम में झोंक दिया। 7 सालों तक उसने कठिन परिश्रम किया। उसके पास नाम और पैसा दोनों थे और आज जीवन में आगे बढ़ते हुए वो मुख्य न्यायाधीश बन चुकी थी। अभी वो विचारों में खोई हुई थी कि तभी धन्नो काकी ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, बिटिया
वो आदमी बड़ी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। निशा ने अपने चश्मे को उतार कर अपनी गीली आंखों को साड़ी के छोर से साफ किया और वापस चश्मा पहनकर सपाट चेहरे के साथ अपने अतीत का सामना करने के लिए उठ खड़ी हुई। रवि ने निशा को आते हुए देखा तो सम्मान में उठ खड़ा हुआ, लेकिन सामने से निशा को देखते ही उसका मुख पीला पड़ गया। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे, मानो उसके गले में कुछ अटक गया था। धनु काकी ने एक प्रार्थना पत्र निशा की ओर बढ़ाते हुए कहा, बिटिया ये मिस्टर रवि हैं, तुम इनका ये प्रार्थना पत्र पढ़ लो। निशा ने रवि को बैठने के लिए कहा और खुद भी इत्मीनान से बैठकर वो पेपर हाथ में लेकर पढ़ने लगी। रवि बुद्ध की भांति खड़ा ही रह गया, निशा के सामने बैठने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। प्रार्थना पत्र पढ़कर निशा को पता चला कि रवि की दूसरी पत्नी आंचल ने रवि और उसके पिता के खिलाफ घरेलू हिंसा और दहेज के लिए प्रताड़ित करने के लिए केस किया है और रवि जज साहिबा से मिलकर अपने बेगुनाह होने की बात कहने आया था। निशा ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए पेपर को फोल्ड करके टेबल पर रखा और स्पष्ट शब्दों में बोली, अदालत केवल सबूत और गवाहों के आधार पर फैसला करती है। कल कोर्ट में फैसला हो जाएगा कि आप लोग गुनहगार हैं या नहीं, और मिस्टर रवि वहां पर न्याय खून के रिश्ते भी नहीं देखता। अंतिम वाक्य कहते हुए उसका मन कसैला हो उठा। रवि गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके। निशा उसकी बात काटते हुए बोली, मिस्टर रवि मुझे जरूरी काम है, अब आप जा सकते हैं। रवि सिर झुकाए हुए वहां से चला गया। उसने सुना था कि जज साहिबा बहुत नेक और नरम दिल महिला हैं, इसीलिए उसने कोशिश करने का निर्णय लिया था, लेकिन उसे कहां पता था कि उसका सामना निशा से ही हो जाएगा। अगले दिन अदालत में सारे गवाह और सबूत चीख चीख कर रवि और उसके पापा के गुनहगार होने की बात साबित कर चुके थे। निशा ने न केवल आंचल के गुनहगारों को सजा सुनाई, बल्कि नियति ने शायद उसे अपने गुनहगारों को भी इसी रूप में सजा देने का अवसर दे दिया था। आज निशा का मन रूई सा हल्का हो गया था, क्योंकि उसे भी उसके हिस्से का इंसाफ मिल चुका था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।